नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पैरापिट वॉल क्या होता है और इसे कहाँ पे लगाया जाता है। पैरापिट वॉल दोस्तों, पैरापिट वॉल जो छत पे आप बाउंड्री कराते हैं उसी को पैरापिट वॉल बोलते हैं। और पैरापिट वॉल लगाने से आपके घर का लुक एकदम बढ़िया बन जाता है, देखने में आपका मकान पूरा भरा भरा सा लगेगा और सुंदर दिखेगा। बाहर से आप जब भी देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा आपका मकान। और इससे क्या होता है कि आपके छत पे कोई है, बच्चा है या आप हैं, तो एकदम हमेशा सेफ्टी बना रहता है, गिरने का कोई डर नहीं रहता है, आराम से चारों तरफ से सही से आप उस पर घूम सकते हैं, सो सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं छत पे। और इसकी हाइट आप कम से कम पैरापिट वॉल की 3 फुट ही रखें, क्योंकि 3 फुट हाइट रखने पे आप जब उस पर कोई भी अगर देखिए छत पे जाता है तो पूरा शरीर उसी पे रख कर सामने की तरफ देखता है। तो अगर आप 3 फुट रखेंगे उसको झुकने में भी नहीं दिक्कत होगा, आराम से वो अपना खड़ा होकर हाथ रख के देख सकता है। और दोस्तों देखिए, अगर आप जैसे कि 2-3 साल में आप मकान बनवा रहे हैं तो आपका जो पिलर होता है साइड साइड में दीवार पे किनारे किनारे, देखिए जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसको खुला, जैसे आपके पास में पैसा नहीं है तो कंक्रीट नहीं, कोई भी मतलब कंक्रीट नहीं है, पैसा नहीं है, जैसे मकान बनवाते समय पैसा बहुत लगता है, तो पैसा लगभग लगभग सभी के पास में ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने पिलर जहाँ पे दिया गया था कॉलम, तो वहाँ पे ईंट का उसमें भर दिया है। अगर आप तुरंत नहीं बनवा रहे हैं तब आप ऐसा कीजिए ताकि आपका जो कॉलम होता है सरिया इस जो लोहे का उसमें जंग ना पकड़े। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही कर दिया गया, जब आप ऊपर बनवाएंगे इसके तो आप उसको आराम से तोड़ के निकाल सकते हैं और उसमें आप कॉलम पहना कर फिर से आप उसकी चुनाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा इसमें यह करने से। और उसके बाद अगर आप उसको प्लास्टर करवा रहे हैं तो भाई अच्छे से तराई कीजिए, तराई बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मसाले का चाहे जितना भी रेशियो इस्तेमाल अच्छा से अच्छा कर लें, अगर आप उसमें तराई नहीं करेंगे तो आपको तराई पूरा बेकार हो जाएगा आपका एक पैरापिट वॉल। तो देखिए हम लोगों ने ऐसा ही किया है पूरे अच्छे से, देखिए 2 मंजिला का पैरापिट वॉल है, देखिए कितना नीचा है। और दोस्तों आप इसको अच्छे से ही तराई कीजिए, अगर आप अच्छे से तराई नहीं करेंगे तो आपका पूरा पैरापिट वॉल ख़राब हो जाएगा, मतलब मजबूत नहीं रहेगा। तो आप इसको 12 से 15 दिन तक एकदम बढ़िया से तराई आप कीजिए ताकि आपका वॉल मजबूत रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को और अच्छी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वीडियो को जरूर सपोर्ट करें।